आज तो मसाई आगे ब्रेड पकौड़े खा के क्या बनाए थे। अरे शिट। अरे क्या हो गया, यू टर्न क्यों मार रहा है? अरे गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं है, भरवाना पड़ेगा ना। अच्छा घर तक का भी नहीं है क्या? हाँ घर तक का भी नहीं बच रहा है बिल्कुल भी। हाँ भरवा लो, फालतू में धक्का मारना पड़ेगा, मैं तो मारूंगी नहीं। जब ही तो तू तो मारेगी नहीं, मेरे को मारना पड़ेगा। हाँ जल्दी जल्दी भरवा लो, पूरी टंकी करा लेना। पैसे देगी ना आज तू? नहीं मैं नहीं दूंगी एक रुपया भी। यार ये तो गलत बात है ना। हाँ ठीक है चलो मेरे पैसे ले लेना आज भरवाने के लिए, पर पूरी टंकी करवा लेना। आज तो तू बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है सैमी। अरे बस बस जा, तो मक्खन मत लगाओ। सुन पेट्रोल भर जाए जब इसको बंद कर दियो, ठीक है? मेरे को बहुत तेज वाली टॉयलेट आ रही है, मैं टॉयलेट करके आता हूँ। अच्छा टॉयलेट होने जा रहे हो? हाँ जल्दी आना। कोई बात नहीं चलो भाई जा टॉयलेट होता हूँ, बहुत तेज आ रहा है सैमी। अरे बोस ये क्या टंकी खाली हो गई? अरे क्या प्रॉब्लम हो गई, फिर अभी भर लेंगे जाके। हाँ चलो बोस जल्दी सी, अपनी लैंड क्रूजर के अंदर पूरा तेल होना चाहिए बिल्कुल फुल। लेकिन बॉस पैसा तो है ही नहीं। अरे क्या बात है, गुंडागर्दी अपनी ऐसे ही थोड़ी चलती है। अरे बॉस भर लो चलो। हाँ पूरी भर ले क्या हम? अरे ये क्या, ये चमेली देख रहा है साइड में खड़ी है जो? अरे बॉस क्या चमेली, कौन चमेली? अरे इसकी बात कर रहा हूँ, दिख नहीं रही क्या कितनी सुंदर है? अरे बॉस है तो काफी ज्यादा सुंदर। बॉस मैं तो कहता हूँ इसको उठा लेते हैं। हाँ बात तो तू सही कह रहा है, काफी अमीर भी लग रही है। अरे बॉस इसको नचाएंगे अपने अड्डे पे ले जाके। अरे इससे पैसे भी लूट लेंगे। अरे बॉस फिर करना क्या है ये तो बताओ। चुपचाप अपने हाथों पर कर। अरे कौन है तुम? अरे चिल्लाने की कोशिश मत करियो वरना अभी गोली मार दूंगा तेरे को। अरे मुझे छोड़ दो प्लीज। चल चल मेरे साथ चल। प्लीज मेरे को कुछ मत करना। मैं तेरे को कुछ भी नहीं करूंगा, पर तेरे को चिल्लाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। चुपचाप आके इस गाड़ी में बैठ जा। अरे बॉस मैंने तेल भी भर लिया गाड़ी के अंदर। शाबाश शाबाश राइट हैंड। ओ लड़की चल चुपचाप, कोई होशियारी मत कर, गाड़ी के अंदर बैठ। चलो बैठो सब लोग गाड़ी के अंदर, चलते हम यहाँ से। अरे बॉस इसको तो नचाएंगे। नचाएंगे और इससे पैसे भी लूटेंगे बहुत सारे। अरे ये क्या, ये लोग मुझे किडनैप करके लेके जा रहे हैं सुमित। अरे चिल्लाने की कोशिश मत करना। अरे बचाओ सुमित प्लीज मेरी मदद करो। अरे इसका मुंह पकड़ रहा है, चिल्ला क्यों रही है, इसका मुंह बांध। अरे बॉस हाँ बांध दिया मैंने, टेंशन मत लो। चलो अब चलते हैं यहाँ से जल्दी से, मजा आएगा रे, नचाएंगे इसको जाके। ओह चलो भाई टंकी खाली हो गई, बहुत देर टॉयलेट किया आज तुम्हारे भाई ने सेमी। अरे श्याम प्यारी। अरे ये कहाँ चली गई? अबे कहाँ चली गई, मैंने बोला था ना टंकी बंद कर दियो भर जाए जब। अबे ये कहाँ पर चली गई अब? अबे कहाँ गई, ये भी कहीं टॉयलेट होने गई है क्या? पर यहाँ पर तो वॉशरूम भी नहीं है आसपास में कहीं पर भी। आखिर ये चली कहाँ गई, दुकान भी बंद है साइड वाली। अबे क्या है यार समझ ही नहीं आ रहा, गाड़ी के अंदर तो नहीं बैठी है? नहीं गाड़ी के अंदर भी नहीं। अरे एक सेकंड कॉल आ रहा किसी का। हेलो कौन? अरे शाणे। कौन बोल रहा है भाई? अरे शाणे तेरी वाइफ हमारे पास है। हैं कौन हो तुम लोग? हम हैं गुंडे और हमने तेरी वाइफ को किडनैप कर लिया है। अरे भाई तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया है? अबे चुपचाप शाणे बात सुन, अगर आज शाम तक पूरे 20 करोड़ रुपए नहीं लेके आया तो हम तेरी वाइफ को मार डालेंगे, भूल जाइयो तू अपनी वाइफ को। अरे भाई प्लीज ऐसा मत करो, मेरी वाइफ को मत मारना। हाँ तो अगर तू वाइफ को प्यार करता है तो पैसे लेके आ जाइयो, 20 करोड़ रुपए लोकेशन तेरे को भेज दिए, 20 करोड़ रुपए आज शाम तक, भूल जाना वरना तेरी वाइफ को। हेलो भाई प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करना, मैं पैसों का जुगाड़ करता हूँ, प्लीज मत मारना मेरी वाइफ को तुम। हाँ तो शाणे पैसे लेके पहुंच जाइयो। अरे ये क्या कोली काट दिया गाइस, यार ये क्या, मेरी वाइफ को किडनैप कर लिया किसी ने, अब मैं क्या करूँ यार, मेरे पास तो 20 करोड़ रुपए नहीं है, आखिर मैं मेरी वाइफ को कैसे बचाऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई तो मेरी मदद करो प्लीज। हे चोरा बॉडी बिल्डर था सुखा दिया तेरी चांजरा की छण छण ने। अरे ये क्या, अरे मर्द है क्या तू या कोई औरत है, ऐसा रो क्यों रहा है तू, ब्रोक के आके ऐसे नहीं रो सकता, खड़ा हो। अरे भाई कौन है? अब तेरे को शर्म नहीं आ से लड़कियों की तरह रो रहा है, पागल है क्या, मर्द जाति पे कलंक है तू। अरे रोक तुम। हाँ रोक तो रोक, सबकी बैंड बजा देता है, क्यों रो रहा है लड़कियों की तरह, बेशरम कहीं के। अरे मेरी वाइफ को किडनैप कर लिया गुंडों ने और उन लोगों ने बोला अगर मुझे 20 करोड़ रुपए शाम तक नहीं दी उन लोगों तो मेरी वाइफ को मार देंगे। अरे फिर इसमें रोने की क्या बात है? अबे मेरी वाइफ ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरी वाइफ चली गई तो मैं क्या करूंगा जिंदगी में। अबे पागल है क्या, अगर तेरे को तेरी वाइफ को बचाना है तो तेरे को 20 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, पर मेरे पास पैसा ही तो नहीं है, तभी तो रो रहा हूँ टकले। अबे टकला मत बोल, मैं तेरे को बताता हूँ तेरे को क्या करना है, मैं तेरी मदद करूंगा 20 करोड़ रुपए कमाने में, सच में। अरे हाँ चल बैठ तेरी गाड़ी में। अरे यार ये तो मेरी गाड़ी है ना। अरे मैं तेरी मदद भी कर रहा हूँ और साथ में तेरी गाड़ी भी नहीं चला सकता। नहीं नहीं चला ले भाई, रोक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो चल मैं तेरी मदद करूंगा, आज शाम से पहले मैं 20 क्या तेरे को 100 करोड़ रुपए कमा के दूंगा। अच्छा चलो गाइस यार चलते हैं, यहाँ पर मेरी रोक हेल्प करने वाला है। हाँ तो चलो, वैसे तुम्हारी वाइफ का नाम क्या है? मेरी वाइफ का नाम है राम प्यारी। अच्छा वो भी अच्छा बना लेती है क्या? क्या अरे खाना और क्या? हाँ बहुत बढ़िया खाना बनाती है। चलो तुम तो सुखी जीवन जी रहे हो उसका मतलब। चलो भाई साहब पैसा कमाते हैं जल्दी से जाके अब, लेट्स गो। अबे यार तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो गए हो? अबे एक्साइटेड तो होना ही पड़ता है ना। हाँ तो मेरी बात सुनो,
अबे तुम अपने घर के छत पे ऊपर क्यों लेके आ गए मेरे को? मेरी बात सुनो, वो सामने घर देख रहे हो, मेरा पड़ोसी का घर है, उसके पास ज्यादा पैसा है। फिर अबे यार, वो मेरे को डेली चिढ़ाता है, बोलता है टकले पैसा देख पैसा। फिर करना क्या अब ये बता? मेरे को नहीं पता, मैंने तेरे को बता दिया करना क्या है। वहाँ पर उसके पैसे चुराने हैं तेरे को, उसके पास बहुत सारा पैसा है, अगर तू उसके पैसे चुरा लेता है मेरा भी बदला पूरा हो जाएगा और साथ में तुझे पैसा भी मिलेंगे। पर हम लोग चुराएंगे कैसे? वो मुझे नहीं पता, पता होता तो मैं ही नहीं चुरा लेता क्या? एक काम कर, तेरे पड़ोसी का नंबर दे मुझे। हाँ ये ले नंबर। ओके तो गाइस यार, यहाँ पर एक बढ़िया वाला प्लान है मेरे दिमाग के अंदर, जिससे हम इसके पड़ोसी के पैसे चुराने वाले। अरे तेरी ऐसी तैसी, इतना ऊंचा घर है क्या यार? मेरे को लगा छोटा है एक मंजिल वाला। कोई बात नहीं, चलो भाई साहब, मेरे को कैसे ना कैसे करके इसके पड़ोसी के पैसे चुराने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मेरे को पैसे नहीं मिले तो मैं मेरी वाइफ को कभी नहीं बचा पाऊंगा यार। ओ भाई साहब, इसके पास तो काफी सारा पैसा है, देख रहे हो बैग भर के पैसे भाई इसके पास तो, तीन तीन। मजा आ गया, मेरे पास इतना सारा पैसा है, जिंदगी की ऐश चल रही, मेरे पास देख रहे कितना सारा पैसा है। ओ टकला, ओ तू फिर चिढ़ रहा है क्या देख देख के? अब देख मेरे पास कितने पैसे टकले, और तेरे पास जिंदगी में भी नहीं आएंगे गरीब फकीर। अब ये क्या यार, ये फिर से मेरे को पकड़ रहा है, मैं तो चलता हूँ यहाँ से, वरना मेरा दिमाग चैट जाएगा ये बंदा कहीं का। अरे टकला छुप गया देख के, अरे क्या हो गया, पैसे नहीं आएगा तेरे पास भिखारी टकला। मैं अपने पैसों से दुनिया को चिढ़ाता हूँ, मेरे पास इतना सारा पैसा, मजा लेता हूँ जिंदगी के। गाइस यार सही में रोक तो भाई, सही कह रहा था यार, ये आदमी तो कुछ ज्यादा ही बदतमीज है, मतलब इसके पास पैसा जो है भाई लोगों को चिढ़ा रहा है यहाँ पर ये। चलो मेरे को मेरा प्लान काम करना चाहिए, बस जो मैंने सोचा था, इसके पास फोन मिलाता हूँ जो नंबर रोक ने दिया था। हाँ ये रहा नंबर, चलो इसको फोन मिलाते हैं। हेलो, आ रहा है, ये किसका फोन आ रहा है? अननोन नंबर से। हेलो कौन बोल रहा है? अरे सर आपका डिलीवरी आया है, आपने ये खतरनाक चीज मंगाई है 2-3 करोड़ की। अरे मैंने तो कुछ नहीं मंगाया। अरे सर पता नहीं किसी ने आपके ऑर्डर पे भेजा है सर, काफी महंगी चीज लग रही मेरे को, आप जल्दी से आ जाइए बाहर या मैं चला जाऊँ। अरे रुको रुको, लगता बहुत महंगी चीज है, जाना ही पड़ेगा मेरे को, क्या पता किसी ने गलती से मेरे एड्रेस पे भेज दिया हो, क्या पता मैंने कुछ ऑर्डर कर लिया हो, मेरे पास इतना पैसा है मैं भूल जाता हूँ चीजें ऑर्डर करके। हाँ जल्दी से चलता हूँ। अरे भाई साहब क्या आया इतना महंगा ऑर्डर, मैं भी तो देखूं। अरे मजा आएगा, क्या महंगा ऑर्डर मंगा लिया मैंने ऐसा। तो गाइस यार देखो, यहाँ पर हमारा प्लान काम कर गया भाई, यहाँ पर वो आदमी बाहर जा चुका है, अब मेरे को बस अंदर जाना है जल्दी से, और इसके ये तीन भर के पैसे के जो सूटकेस है तीनों को उठाना और यहाँ से निकलते हैं। भाई साहब बहुत पैसा इसके पास, तो चलो उठाते हैं जल्दी से, ये लो भाई। ओके तो गाइस यार यहाँ पर मैंने इसके सारे के सारे पैसे उठा लिए, अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं इससे पहले कि वो वापस आए, क्योंकि कोई कुरियर वाला तो आया ही नहीं है, मैंने तो एक फेक कॉल करा था यार उसको। चलो 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 इससे पहले कि वो आ जाए, भागो यहाँ से। आ गया मैं रोक के घर में, अब तो कोई दिक्कत नहीं है यार, हम उसके घर में से इस वाले घर में आ चुके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब भाई साहब मेरे पास पैसे आ चुके, मजा आ गया। पैसे लेके आ गया क्या सुमित? हाँ मैं पैसे लेके आ गया। अरे यार क्या किया तूने, बता तो मेरे को तेरा मास्टर प्लान। अब यार मास्टर प्लान बताने की जरूरत नहीं है। अरे कहाँ चला गया, गलत नंबर से फोन आया था क्या? कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, कब से वेट कर रहा हूँ यहाँ पर, लगता है कोई पागल बना दिया, गलत नंबर पे फोन आया होगा। चलो मैं तो अंदर चलता हूँ जल्दी सी, जाके अपना पैसा देखता हूँ। मनी 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 मनी, चिंग चिंग। अरे ये क्या, भूल गया था मैं तो रास्ता उस तरफ से। अरे मेरा प्यारा पैसा, अरे ये क्या, मेरा पैसा कहाँ गया, मेरा यहीं पर तो था पैसा। अरे ये क्या हो गया, लगता है मेरे घर में चोरी हो गई, मैंने पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अरे पुलिस, मेरा घर में चोरी हो गई, मर गया रे मैं तो। देख सुमित मेरी बात सुन, अब तेरे को जो पैसा लाना है वो थोड़ा दिमाग और लगा के लाना पड़ेगा, यहाँ पर मैं डेली जिम करने आता हूँ, शाम को मजा लेता हूँ। हाँ तो फिर ठीक है तू जिम करता, उससे मेरे को पैसे कैसे मिलेंगे? हाँ तो तेरे को मैं बता रहा हूँ, बात तो सुन, मेरे पीछे वो प्लेग्राउंड से देख रहा है, ये असल में बच्चों का प्लेग्राउंड है, और वहाँ पर तुझे एक बच्चा मिलेगा, वो एक बहुत बड़ा करोड़पति है, अगर तू उसके चैलेंजेस पूरे करेगा तो तेरे को वो पैसा देगा। बस प्रॉब्लम ये है यार, उसके चैलेंजेस इतने ज्यादा अजीब होते हैं, किसी से कंप्लीट ही नहीं होते हैं, तो मेरे को लगता है तू कर सकता है और तेरे को करना ही पड़ेगा, अगर तेरे को तेरी वाइफ को बचाना है तू। हाँ ठीक है मैं जरूर बचा लूंगा। अरे वाइफ को नहीं, पैसे बचा जाके। ओके तो गाइस यार रोक ने मेरे को बताया कि यहाँ पर कोई बच्चा है और वो बहुत ही ज्यादा करोड़पति है। ओके तो गाइस यहाँ पर एक ही बच्चा है। अरे अंकल क्या हाल है? अरे बढ़िया बेटे, तेरे पास पैसे हैं क्या? अरे अंकल बहुत पैसे मेरे पास। अरे ये तेरा ही पार्क है क्या? अरे अंकल हाँ, मेरे पापा ने बनवा रखा है ये पार्क। ओके यहाँ पर क्या है बच्चे, पैसे कहाँ हैं? अरे अंकल यहाँ पर आपको मैं 3 मिनट देता हूँ, और मेरे इस बड़े वाले पार्क के अंदर मैंने कहीं कहीं पर पैसे छुपा रखे हैं, अगर आप वो सारे पैसे 3 मिनट के अंदर ढूंढ लाओ तो वो पैसे मैं आपको दे दूंगा। सच्ची? मुच्ची बोल रहा हूँ मैं तो। देख लियो, 1 रुपया वापस नहीं दूंगा। अरे अंकल ढूंढ तो लो तभी तो, मेरे को मजा आता है गेम खिलाने में लोगों से। ओके तो गाइस यार यहाँ पर इस बच्चे ने बताया कि इस पार्क के अंदर बहुत सारे पैसे हैं। चलो गाइस ढूंढते हैं, यहाँ पर काफी इजी होने वाला है यार। अबे एक सेकंड, ये पार्क कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है क्या? और मेरे पास टाइम भी लिमिटेड है, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट का टाइम है, अगर मैं 3 मिनट में वो पैसा नहीं ढूंढ पाया तो भाई साहब मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, और दूसरी बात मेरे को सारा ढूंढना। ओए चलो गाइस यार यहाँ पर मैंने पहला पैसा कलेक्ट कर लिया, अब और देखते हैं यहाँ पर कितनी सारी बोरी मिलने वाली है। यार सोचो 1 बोरी के अंदर कितना सारा पैसा
रास्ता होगा। ओके भाई है कहाँ पर, इस साइड देखता हूँ, यहाँ पर नहीं है यार। स्लाइड के ऊपर मिला है तो दूसरा कुछ अलग जगह पर होगा, हर जगह पर एक एक चीज होगी। यहाँ पर देखता हूँ कुछ है क्या, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अबे ये क्या, मैं तो बाहर निकल गया यार इस प्लेग्राउंड में से, बाहर नहीं निकलना है, अंदर की साइड मेरे को पैसा मिलेगा यार। अरे शिट, अबे यार ये तो बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है। 3 मिनट है, 3 मिनट के अंदर, ओए 1 सेकंड, यहाँ पर देखो छतरे के नीचे है बोरी। तो गाइस यार यहाँ पर मेरे को और पैसा मिल चुका है, नाइस भाई साहब। पर अभी यहाँ पर और भी पैसा बच रहा है यार, ढूंढना पड़ेगा। अब ये तो घूम फिर मैं उसी जगह पर आ गया, यहाँ पर ऊपर चलते हैं। भाई साहब ये प्लेग्राउंड के मौत का कुआं सा है, देख रहे हो कितना ज्यादा बड़ा है। अब मेरे को शायद इसके अंदर चलना चाहिए। अरे भाई डर लग रहा है, कहाँ जाऊंगा, और पता नहीं कहाँ गिर गया यार आके मैं। ओए यहाँ से नीचे जा सकते हैं। ओके भाई मैं घूम फिर के पता नहीं कहाँ पर आ गया, अजीब सी जगह है यार सही में। यहाँ पर है क्या पैसा, नहीं यार मैं वापस घूम फिर के बाहर की ओर आ गया। ये तो वही जगह जहाँ पर मेरे को लास्ट बार पैसा मिला था। ओ ये देखो एक और पैसे की बोरी। ओके तो गाइस यार यहाँ पर हमने तीसरी पैसे की बोरी कलेक्ट कर ली। अब यहाँ से ऊपर चलता हूँ स्लाइड के थ्रू, चढ़ तो जाऊंगा ना। ओ यहाँ पर एक और पैसे की बोरी है, नाइस इसे भी लेता हूँ। तो चलो गाइस यार यहाँ पर मजा आ रहा है, 4 पैसे की बोरी मिल चुकी है। अब यहाँ पर इस अंदर चलते इस टनल में, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर नहीं है यार पैसे की बोरी एक भी। अब मैं ये कहाँ पर आ गया, अच्छा मैं इस वाले, ओए ये रही एक और पैसे की बोरी, 5 पैसे की बोरी मिल चुकी यार हमें यहाँ पर। और हम ये लेके चले नीचे, यहाँ पर मिलेगा क्या मेरे को कुछ। अरे ये क्या भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी टनल सी बना रखी है, यहाँ पर तो मैं अभी आया था, यहीं पर तो मेरे को पैसे की बोरी मिली थी लास्ट वाली। अगली कहाँ पर होगी यार, यहाँ पर नहीं है, कहाँ पर तुम लोगों को दिखाई दे रही है क्या कहीं पर भी। गाइस यार तुम लोग मेरे को ये बताना कि आप लोग कभी इतने बड़े प्लेग्राउंड के अंदर खेलने गए हो, अगर खेलने गए हो तो कहाँ पर गए हो, और अपना नाम भी बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है जरूर से। ओ ये देखो एक और पैसे की बोरी मिल गई। तो गाइस यार यहाँ पर हमने टोटल 6 पैसे की बोरी ढूंढ ली है, मजा ही आ गया। अरे अंकल दो और बच रही तो। ओके तो गाइस यार मैंने 6 ढूंढ लिए और बच्चे ने मेरे को बताया अभी 2 और बच रही है, उन 2 को ढूंढना, और मेरे पास टाइम से भी बहुत ज्यादा कम बचा है। 1 सेकंड, इसके अंदर जाने का रास्ता कहाँ से है यार, इसके अंदर जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है यार, इसके लिए तो मेरे को ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अब ये ऊपर चढ़ने का रास्ता कहाँ से, ये रही ना अंदर सीढ़ियाँ। चलो यार यहाँ पर चलते हैं क्योंकि यार ये वाली जगह सबसे अलग है, मेरे हिसाब से यहाँ पर जरूर होना चाहिए पैसा। अब कहाँ पर चढ़ने की जगह, चलो गाइस यार फाइनली इतनी मेहनत के बाद हम लोग फाइनली टॉप पर आ चुके हैं, अब इसके अंदर जाना है बस मेरे को। अब यार ये बच्चों वाली चीजें बड़ा नहीं कर पाता, इसलिए मेरे को बहुत हार्ड लग रहा है सेमी। अरे कहाँ गया मैं, ओए ये देखो मेरे को पता ही था एक और पैसे की बोरी मिल गई। तो गाइस यार यहाँ पर मैंने टोटल 7 पैसे की बोरियां ढूंढ लिया, सिर्फ एक और बची है, और मैं आधा से ज्यादा प्लेग्राउंड के अंदर घूम चुका हूँ मेरे हिसाब से, या फिर पूरे के अंदर घूम चुका हूँ, पर मेरे को अभी तक एक लास्ट बोरी नहीं मिली है। कहाँ पर होगी, कहाँ पर होगी, उस साइड होके आ चुका हूँ मैं, हाँ यार इस साइड तो होके आ चुका हूँ। यहाँ पर मेरे को 2 पैसे की बोरी मिली थी, तो वो स्लाइड हो गई। मैं काम करता हूँ, मैं सामने की तरफ नहीं गया हूँ, इस साइड देखो, इस साइड मैंने चेक नहीं किया है मेरे हिसाब से। चलो ढूंढते जल्दी जल्दी। अरे यार कितना गंदा प्लेग्राउंड है यार, अभी तो मेरे को बच्चे को प्लेग्राउंड में खेलना मजा नहीं आता यार, क्योंकि इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। मेरी इतनी अच्छी मेमोरी नहीं है जो मैं सब कुछ याद रख सकूं। यहाँ पर आ चुका हूँ मैं, हाँ ये तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। यहाँ पर ओए ये रही आखिरी वाली, अबे यार पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया, यहीं पर पैसा था। तो गाइस यार यहाँ पर हमने 8 की 8 बोरी ढूंढ लिए, वो भी 3 मिनट के अंदर। अरे अंकल आप पहले ऐसे, आपने जितने इतने बड़े प्लेग्राउंड के अंदर 8 की 8 पैसे की बोरी ढूंढ ली, ये हो गई आपकी। शुक्रिया बेटे तेरा बहुत ज्यादा। अरे अंकल बेटा बेटा नहीं लगता मैं आपका, ठीक है ना। अरे हाँ बच्चे, हाँ तो बस जाओ यहाँ से, आप मेरा मुंह क्या देख रहे हो। चलो गाइस यार यहाँ पर हमें और भी ज्यादा पैसा मिल चुका है, मजा आ गया रे वीडू। अरे यार ये मजा आ गया यार, तूने उस बच्चे के भी पैसे छीन लिए, छीने थोड़ी है। हाँ तो सुमित मेरी बात सुन यार, यहाँ पर एक बूढ़ा मिलेगा तेरे को, उसके पास बहुत सारा पैसा है, यहाँ पर मैं दोपहर में चाय पीने के लिए आता हूँ। अबे तू जिम भी करता है, चाय भी पीता है। अबे यार किसी को बताना मत कि दारोग भी चाय पीता है, मैं चाय पीता हूँ डेली, पीता हूँ डेली। अबे यार तेरी बॉडी इतनी तगड़ी कैसे बन रही है फिर। अबे ये चाय की वजह से तो मेरी बॉडी बन रही है, तेरे को क्या पता। अबे यार चाय की वजह से किसकी बॉडी बनती है। अबे मेरी बनती है ना यार, तू बस बोले मत किसी को। हाँ तो जैसा मैं बोल रहा, पार्क के अंदर एक बूढ़ा मिलेगा तेरे को, वो सामने, उसके पास बहुत सारा पैसा है, अगर तू वो पैसा उससे ले ले तो मैं बता रहा हूँ तू अपनी वाइफ को इजीली छुड़ा सकता है, और तेरे पास जब भी बहुत सारा पैसा बचेगा। ओके शुक्रिया, रोक करा बहुत ज्यादा बताने की। अबे क्या कर रहा है, टक्कर क्यों मार रहा है यार। अबे तेरी चाय की वजह से कैसी हालत हो गई, नीचे गिर गया तू। अबे फिर टक्कर मारने के लिए किसको बोला यार, तो बिना बोले टक्कर मारेगा तो कोई भी नीचे गिर रहेगा ना। हाँ ठीक है शुक्रिया यार इतनी मदद करने के लिए, जा पैसे ले। ओके तो गाइस अंकल से पूछता हूँ, हेलो अंकल राम राम। ओ बेटा राम राम। अंकल आपके पास तो बहुत सारा पैसा है। ओ बेटा पूरी जिंदगी कमाया मैंने ये पैसा, अरे अंकल मेरे को दे दो ना। ओ तेरे लिए कमाया मैं तेरा बाप हूँ क्या, तेरे को दे दो सारा पैसा। अरे अंकल दे दो ना प्लीज। अरे तू सुमित है ना। हाँ मैं सुमित हूँ। ओए मेरे को पता है यार तू मेरी मदद कर सकता है, मैं बदले में सारा पैसा तुझे दूंगा। कैसी मदद करनी बाबा आपकी। ओए मेरे को पता है तेरे दोस्त कुछ भी कर सकते हैं, उनको बोलने मेरे को जवान कर दे। हैं ये आपको कैसे पता। वो मेरे को पता है। गाइस अगर आप लोग चाहते हो मैं मेरी वाइफ को बचा लूं, तो यार उसके लिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना होगा यंग, जिससे ये बूढ़ा है ना वापस यंग हो जाए। वो हाँ फिर मैं तेरे को सारे पैसे दे दूंगा। ओके तो गाइस यार आप लोगों को बस ये कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है यंग, जिससे ये बूढ़ा
आदमी वापिस से जवान हो जाए और बदले मेरे को ये सारा पैसा दे देगा जो भी इसके पास है, और फिर मैं मेरी वाइफ को बचा सकता हूँ। प्लीज यार लिख दो यार, जल्दी कर जल्दी गाइस, यार लिख दो कमेंट बॉक्स के अंदर 1 2 3 यंग। अरे ये क्या, अब मैं तो फिर से जवान हो गया। ओ गाइस यार ये देखो, मैंने उस बूढ़े आदमी को जवान कर दिया है। अरे शुक्रिया यार, तूने मुझसे फिर से जवान कर दिया, अब मैं फिर से शादी कर सकता हूँ। तीन चार शादी? अरे यार तुझसे लेना देना नहीं उस चीज को। ठीक है तो जैसा मैंने बोला था, मैं तेरे को ये सारा पैसा दे दूंगा, मैं ये तेरे को पूरे मेरे 50 करोड़ रुपए देता हूँ। चलो मैं चलता हूँ। अरे यार चलो लड़कियां ढूंढते हैं। ओके तो गाइस यार यहाँ पर टोटल मेरे पास हो चुके 80 करोड़ रुपए, क्योंकि 80 ये दिया था और पहले मेरे पास थे। अरे चल सुमित, मैंने तेरी मदद कर दी है, अब रोना मत आगे से एक लड़की की तरह। मेरे को बहुत बुरा लगा जब तू रोता है। ठीक है ड्रॉक, शुक्रिया तेरा बहुत ज्यादा। अभी थैंक बोलने की जरूरत नहीं, अभी एक लास्ट टाइम चैलेंज भी रह रहा है जिसके अंदर मैं तेरे को बहुत सारा पैसा देने वाला हूँ। चल मेरे साथ। हाँ तो तुम सभी लोगों का स्वागत है आज के खतरनाक वाले रैम चैलेंज के अंदर। आज के रैम चैलेंज में जो भी तुम लोगों में से जीतेगा उसे मैं देने वाला हूँ पूरे 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ रुपए से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, बोले तो द रॉक से भी अमीर हो जाओगे तुम लोग, मौज लोगे जिंदगी के। आई तुम लोगों को मेरी बात समझ? हाँ तो तुम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर अपनी पसंदीदा गाड़ी लेनी, यहाँ पर 3 गाड़ी है। अरे ये क्या है रे, ग्रोगलीला? अबे ये क्या जानवर, पता ही नहीं भय कर रहे जा रहा है। कोई बात नहीं, काफी सेक्सी लग रहा है देखने में तू यार, लगता है तेरे को मेरे को पेट बनाना चाहिए। यहाँ पर अगला बंदा वेनम। ओए डस लूंगा, मुझसे पंगा ना लेना वरना कर दूंगा गंजा। ओए मैं पहले से ही गंजा हूँ, तू मेरे को क्या गंजा करेगा, चल तू मेरे मुकाम का नहीं है। और तो ये तेरी गाड़ी है। ओए यहाँ पर आखिर में सुमित। अरे रोक, शुक्रिया यार इतनी मदद करने के लिए। अबे मेरे को तेरे को यहाँ पर लाना था इसलिए मैं तेरी हेल्प कर रही, मेरे को मजा आता है रैम चैलेंज करवाने में। और यहाँ पर तुम्हें इन बॉल्स को ठक्कर मार के नीचे जाना है, तुम में से जो जीतेगा उसे दूंगा 100 करोड़ रुपए। अबे ये क्या जानवर है भाई, कैसी आवाज निकाल रहा है ला 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 ला। भाई मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही गाइस, यार ये ड्रैगन है पता नहीं क्या चीज है, और ये बोल नहीं सकता ढंग से, पर ऐसे गाड़ी चला। अबे ये क्या है, अब ये तो उड़ा रहा है अपनी गाड़ी। ओ ये तो चीटिंग है भाई, अपने बड़े बड़े पंखों से गाड़ी को हवा में उड़ा लिया इसने। भाई ये तो बहुत बड़ी वाली चीटिंग है गाइस, यार आखिर ये क्या स्कैम कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार इसकी गाड़ी हवा में कैसे उड़ गई थी एकदम। पर भाई कुछ भी हो, अगर ये जीत गया तो भाई मतलब मेरे पास वैसे इतने पैसे आज को मेरी वाइफ को मैं बचा सकता हूँ, पर मेरे को पूरे पैसे चाहिए यार, तो मेरे को पूरे ही मिल रहे हैं। अब ये देख रहे हो कैसे गाड़ी को हवा में उड़ाया जा रहा है यार, ये क्या लफड़ा चल रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। अबे एक सेकंड, आखिर इस ड्रैगन को जो भी है ये, इसको पैसे की कहाँ जरूरत आ रही है यार, और ये क्या कर रहा है, अब पागल हो गया कि ये क्या कर रहा है भाई, ये तो हवा में उड़ा के ले गया गाड़ी। और ये भाई इतनी स्पीड से फिर से नीचे जा रहा है, अब ये कूद गया गाड़ी में से, भाई पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर, ये कितना अजीब है यार ज़मीन। ओए ये तो भाई देख रहे हो माइंड गेम खेल गया भाई, ये डायरेक्ट फिनिश लाइन की ओर जा रहा है, ऐसे तो ज़मीन जीत जाएगा, फिनिश लाइन देखो वहाँ सामने है। ओए डस लूंगा, अबे ये क्या, वो हार गया क्या, और क्या मूर्ख, वो हार चुका है, ऐसे थोड़ी कोई जीतता है। अबे गाइस यार मुझे लगा वो ड्रैगन जीतने वाला है। अरे पागल कहीं का, चल अब मेरी बारी है, और अब मेरी तू ड्राइविंग देख खतरनाक वाली। ओके तो गाइस यार यहाँ पर अब वेनम की बारी है, और सेमी वेनम क्या कमाल तरीके से गाड़ी चला रहा है, बिल्कुल फुल स्पीड में उड़ाया जा रहा है। ओए उड़ा तो नहीं रहा हूँ उसकी तरह, मैं पागल है क्या। ओके तो गाइस यार यहाँ पर वो ड्रैगन नहीं पहुंच पाया था, पर यहाँ पर देख रहे हो भाई एक सेकंड भी स्पीड कम नहीं कर रहा है, ये कितनी तेज जा रहा है यार। ओए जीतूंगा इसलिए तो। अबे ये क्या हुआ, ओए ये क्या चीटिंग है, समझ नहीं आया कुछ भी, आखिर हार कैसे गया मैं पानी के अंदर सीधा। अरे यार सुमे तब तुम आखिरी बचे हो, मुझे पता नहीं तुम जीतने वाले हो नहीं जीतने वाले हो, पर तुम्हारी जो पोर्श टर्बो वो देखने में इतनी ज्यादा सेक्सी लग रही है। अरे हाँ यार है, मैंने खरीदी है मेरे पैसों से, तो गाइस यार मेरे को किसी भी हालत में ये रैम चैलेंज जीतना पड़ेगा। पर मेरे को अभी तक ये समझ नहीं आया आखिर यार वेनम कैसे डिस्क्वालीफाई हो गया, वो इतनी अच्छी तरीके से गाड़ी चला रहा था, और लास्ट में जाते जाते पता नहीं वहां पर हुआ क्या। ओए ये क्या, अबे भाई मेरी गाड़ी क्यों पलट गई, मेरे पास तो यार वेनम से भी अच्छी गाड़ी थी, आखिर ये क्या लफड़ा है। ओए ये क्या, ओ बच गया भाई, वो तो सही है यहाँ पर ये दीवार थी, अगर यहाँ पर ये दीवार नहीं होती शिट यहाँ फंस गया क्या यार मैं, अब बाहर कैसे निकालू मेरी गाड़ी अब मैं। ओए निकल गई, अबे यार साइड में झिगा थी, यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी बाहर निकाल ली है, और इतने मस्त तरीके से हम लोग जाए जा रहे हैं बिल्कुल परफेक्टली। अब मेरे को यहाँ पर बस ये ध्यान देना है। ओए ये क्या था यार, मेरी गाड़ी जंप क्यों मार गई एकदम, ये क्या लफड़ा था। तो गाइस यार ये चले हम लोग फुल स्पीड के अंदर, ये सामने क्या है, अबे ये क्या मेरी गाड़ी फिर उछल गई। ओए ये क्या, ओए बच गया भाई साहब, ओए मैं जीत गया क्या, हाँ
मतलब वो दीवार पर हमें जाना ही नहीं था यार, उसका वेट नहीं करना था, हमें डायरेक्ट वहां से एक तरीके से जंप लगानी थी, जो मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक लगा दी। और यहाँ पर इसका मतलब ये सारा का सारा सोना मेरा हुआ भाई, मैं यहाँ पर जीत चुका हूँ, हुर्रे, ये देखो भाई साहब मुझे यहाँ पर कितना सारा सोना और कितना सारा पैसा मिल गया यार, ये तो कमाल हो गया सही। तो गाइस यार यहाँ पर एक खतरनाक वाली रेंज रोवर खरीद के लाया तुम्हारा भाई, और अभी मैं जा रहा हूँ उस लोकेशन के ऊपर जहाँ पर मेरी पत्नी को किडनैप करके ले गए वो गुंडे, और वो लोकेशन यहीं की है। अब भाई सब ये पानी में डूब तो नहीं जाएगी मेरी रेंज रोवर, अरे कमाल के भाई देख रहे हो कैसे निकल गई मेरी रेंज रोवर, अब शिट यार मेरी तो बेइज्जती हो गई गाड़ी और पलट गई आखिर में आके। चलो भाई सब ये शाम ने मेरे हिसाब से वो गुंडे, आ जा क्या बकवास करे जा रहे, क्या गाड़ी लेके आए? अरे बॉस ये तो गाड़ी भी कमाल की है। अरे मेरी वाइफ को कुछ मत करना, जैसा तुम लोगों ने बोला तो मैं तुम्हारे पैसे लेके आया हूँ 20 करोड़। हाँ अब मुझे 20 करोड़ नहीं चाहिए, अब मुझे 30 करोड़ चाहिए, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी कम से कम 2.5-3 करोड़ की है। मुझे पता था तुम लोग ऐसे करने वाले हो, इसलिए मैं पहले से ही 40 करोड़ रुपए लेके आया हूँ। क्या 40 करोड़ रुपए? तेरे पास तो काफी ज्यादा पैसा है। अरे बॉस कितना सारा पैसा है? अरे असली तो है ना। चल जैसा तूने बोला था मेरी वाइफ को छोड़ दे। अरे राइट हैंड लेफ्ट हैंड छोड़ दो इसकी वाइफ को, पैसे आ चुके हैं अपने पूरे 40 करोड़। चलो गाइस यार यही मौका इनको मेरे ऊपर जानिए, ये ले। अरे ये क्या? ये ले तेरी अस्त्र टकले, ये ले। अरे ये क्या कर रहे हो? अबे तुझे इतनी लगी गोली, अबे बुड्ढा मरा नहीं अभी, बुड्ढे के बच्चे, ये ले गाइस यार। अबे बुड्ढा मर जा यार, क्या करके मानेगा? अबे ये क्या, ये खून मेरी वाइफ का है या फिर इसका है? अरे तुम भी पागल हो सैमी। अरे तुम जिंदा हो क्या? और क्या, थोड़ा सा और चलाता ना गोली तो मेरे पेट में लगती। मुझे लगा तुझ में से खून निकल रहा है। अरे उसमें से निकल रहा है। चलो तुमने मुझे बचा तो लिया फाइनली, चले घर पर। हाँ चलो, और आगे से थोड़ा दम रखना अपने जिगर में, आगे से टेंशन मत ले। वैसे इतना सारा पैसा कहाँ से लेके आए तुम? अरे मैंने बहुत मेहनत की इस पैसे को कमाने के लिए। लग ही रहा है कितना सारा पैसा आ गया हमारे पास, और इतनी महंगी वाली गाड़ी भी। मेरे अपने पास अब बहुत सारा पैसा है सही में। हाँ 100-200 करोड़ रुपए अपने पास। सच बोल रहे हो? हाँ। तो गाइस यार फाइनली मैंने मेरी वाइफ को बचा लिया। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार भूले बैठ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे इसको नई वीडियो नई स्टोरी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।